चार साल ये रहा, हाँ। कोई एक कारनामा तो बताओ ना। ये 30% आटा कम में लाने की बात कर रहा है, आप ही के प्रोग्राम में इसके आटे की शक्ल दिखा के गया था मैं। ये जो आज डायलिसिस पे जा रहे हैं, 25% आवाम जा रही है डायलिसिस पे, इस आटे की वजह से जा रही है, कीड़े वाला आटा। मैं रशिया से 30% नीचे आटा ला रहा हूं, जो पहले लाया था उसमें सारे कीड़े भरे हुए थे, और जिसको मैंने ट्रैक किया जिहाज को, उसको जाके इसने आग लगवा दी। कभी सुना है किसी जिहाज में आग लगी? उस गंदम के पूरे जिहाज को फूंक दिया इसने। ये बयानिया भी नहीं, ये अमेरिका वाला बयानिया भी नहीं सेल हो रहा। चार साल से पाकिस्तान केओस में डाला हुआ इन्होंने, ना इसको काम करने देना है ना उसको काम करने देना है। इसको केओस कहते हैं, और ये अनार्की की जड़ है। जो अच्छा। बीज बो रहे हो फसल तो अनार्की की निकालोगे। तुम पाकिस्तान तुम्हारे बाप की मिल्कियत है, तुमने बनाया था पाकिस्तान, तुमने तो वोट तक नहीं दिया पाकिस्तान को। तुम बात करते हो पाकिस्तान की, लाओ तुम्हारे बाप दादों की औकात में यहां पर लाके दिखाऊं कि तुम्हारे बाप दादे या पाकिस्तान के हम ही थे या गद्दार। गद्दारों की औलादों को जब हुकुमरान अच्छा, बनाओगे तो ये लाने का फतवा हमें तो किसी को नहीं देना। क्यों? जो क्या हमें पाकिस्तान के मुखालिफ है वो गद्दार नहीं? नहीं, लेकिन हमारा काम साल से इन फिरका परस बुग्ज में रखने वाले लोगों को पाकिस्तान पे मुसल्लत करके पूरे मेरिट का अच्छा, कत्लेआम किया गया है। ये बात मैं अब नहीं होने देंगे। मेरिट का कत्लेआम हम लड़ेंगे फिर सड़क पर, अगर आप किसी ने मेरिट को यहाँ पे कत्लेआम किया। ये हाल है।